जीएसटी कानून में मिलने वाली क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए फर्जी बिल मामले में डीजीजीआई की जयपुर इकाई को एक बड़ी सफलता मिली है और डीजीजीआई ने इस फर्जीवाड़े के कथित मास्टरमाइंड आदित्य गुप्ता को गिरफ्तार किया है, जिसे आज अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 28 जून तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। डीजीजीआई अधिकारी फर्जी बिल मामले के कथित मास्टरमाइंड आदित्य गुप्ता को आर्थिक अपराध न्यायालय लेकर पहुंचे और जहां जयपुर महानगर में पेश किया गया। इस मामले में डीजीजीआई ने गाजियाबाद के संदीप अग्रवाल, श्रीराम सिंह और जयपुर के कर सलाहकार पंकज खंडेलवाल को भी गिरफ्तार किया है, जो कि 21 मई से जेल में है। फर्जी बिल मामले में कथित मास्टरमाइंड को आज डीजीसीआई ने गिरफ्तार करने के बाद अदालत में पेश किया। अदालत ने इस मामले में आरोपी को 28 जून तक जेल भेजने के निर्देश दिए। हमारे साथ डीजीजीआई के अधिवक्ता मिस्टर बनवारीलाल ताकर हैं, हम उनसे जानते हैं ये मामला क्या है। सर, ये मामला क्या है, अदालत ने क्या आदेश दिया इसमें? ये जीएसटी की चोरी का, जब पहले भी आपको अवगत है कि तीन पंकज खंडेलवाल, संदीप अग्रवाल और श्री राम कुमार सिंह को अरेस्ट करके, जो अभी जुडिशियल कस्टडी में चल रहे हैं एक महीने से, और उन्होंने इनवॉइसेज, फर्जी इनवॉइसेज बना के उनकी क्रेडिट ले ली गई, जबकि वो माल उत्पादन ही नहीं हुआ और भेजा ही नहीं गया, और न ही उस क्रेडिट जो इनवॉइस काटी गई उसका जीएसटी विभाग में जमा कराया गया। इस तरीके से सर, आज की बात करें, आज जैसे अदालत का क्या रुख नज़र आया? अदालत का तो आज तो एप्लीकेशन लगी है, हमने जैसी मांगा था अदालत ने जैसी दे दी। बेल एप्लीकेशन पे सोमवार की सुनवाई के लिए रखा गया, इसलिए रुकी का करने का कोई इशू है ही नहीं आज कि क्या रुक रहा, वो तो आफ्टर मिल। हमारे साथ डीजीजीआई के दूसरे अधिवक्ता मिस्टर आरएन यादव है, हम उनसे जानते हैं कि सर, इस मामले में जैसे 58 करोड़ की कर चोरी उजागर हो चुकी है, 316 करोड़ के आसपास के बिल सामने आ चुके हैं, जांच अभी जारी है, तो आपको क्या लगता है जांच कितनी आगे बढ़ेगी, कितने करोड़ों रुपए का इसमें फर्जीवाड़ा उजागर हो? देखो जैसे जाँच आगे बढ़ेगी, वैसे और फर्जीवाड़ा उजागर होता जाएगा। इस मामले में हमने कई जगह छापे मारे और अब भी छापे मारेंगे, और अभी तो इसने जो 17 भर में फर्जी बनाई थी उसमें से 7 का निकला है, 6 का निकला या 7 का निकला है, और बाकी की जांच बाकी है। मतलब जैसे सर, 6-7 फर्मों का अगर अभी मामला सामने आया है, 10 के आसपास फर्में इतनी हैं जो जिसमें और है, 6-7 फर्मों में अगर 316 करोड़ के आसपास के बिल सामने आए हैं, तो क्या ये माना जाए इतनी ही राशि या इससे ज़्यादा राशि के बिल हो रहे हैं? हाँ, इतनी तो मान के चलो, बल्कि ज़्यादा ही मानते हैं। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि फर्जी बिल मामले में डीजीजीआई ने अब तक कुल 4 लोगों को जेल की हवा खिलाई है। इस मामले की जांच चूंकि अभी जारी है, अतः इस बात की भी उम्मीद की जा सकती है कि इस मामले में कुछ और लोग भी गिरफ्त में आएंगे। कैमरा पर्सन पवन के साथ विमल कोठारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।